हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। सूखी अंजीर आप खा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, तो सूखी अंजीर का आप आराम से सेवन कर सकती हैं। सूखी नाशपाती का भी आप आराम से सेवन कर सकती हैं। इसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं और गर्भवती महिला को अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो सूखे नाशपाती को अगर आप लेती हैं तो ये कमी आपकी पूरी हो सकती है। किशमिश आपको लेनी चाहिए। अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये आशंका हो कि उसको प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, डॉक्टर ने अगर उसको कुछ इस तरह का बताया हो या अगर पहले उसकी हिस्ट्री हो कि प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि जो पूरा टाइम होता है डिलीवरी की डेट से लगभग एक महीना पहले या उससे भी अधिक पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसको हम लोग प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं, तो उस स्थिति में किशमिश अगर लेती हैं तो फ़ायदा होता है। काजू आप ले सकती हैं, ये वेट गेन के लिए महिला और उसके बच्चे दोनों के वेट गेन के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर आयरन भी होता है जो कि एनीमिया से बचाता है। पिस्ता आप ले सकती हैं, पिस्ता बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है। इसमें इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो शिशु के विकास में और उसकी सुरक्षा में काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और तत्व ऐसे होते हैं जो थोड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप पिस्ता का सेवन कर सकती हैं। अब आते हैं अखरोट पर। अखरोट को आप जानते हैं कि इसका आकार मस्तिष्क के आकार का होता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, हम उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। ये बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चे की आँखों के विकास में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। हेज़ल नट आप ले सकती हैं, इसमें जो बच्चा होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए काफ़ी ये उसका ख़तरा कम कर देता है, जैसे कि मेनिंगोसील वगैरह, तो वो अगर आप इसको लेती हैं तो उसका रिस्क कम हो जाता है। साथ में अपनी फोलिक एसिड की टैबलेट भी ज़रूर लें। इसके अलावा मूंगफली का आप सेवन कर सकती हैं, इसमें फोलेट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इससे भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, तो अगर आपको उस तरह की एलर्जी है तो आप नहीं खाइए। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये रीढ़ की हड्डी में बनावट में प्रॉब्लम होती है। मेनिंगोसील जिसको बोलते हैं थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, स्पाइना बाइफिडा मेनिंगोसील, तो वो नहीं होते हैं अगर आप इसको लेती हैं। सूखे सेब अगर आप लेते हैं तो सूखे सेब में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, ये इस वजह से भी फ़ायदेमंद होता है। और फाइबर अगर आप अच्छी मात्रा में लेती हैं तो उससे जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। सूखे खजूर यानी छुआरा भी उन्हें बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको सर्दियों में बहुत ये फ़ायदा करता है। इसके अंदर भी फोलेट ठीक मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में होता है और ये भी बहुत सारे जन्मजात विकृतियों से बचा सकता है। अब अधिकतर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा गर्म प्रकृति के होते हैं कहते हैं, तो इस वजह से उनको रात को आप सोक कर दें और सुबह के टाइम इनका सेवन करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो तो या आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री है, पहले आपके अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो इस परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके और आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।